के अकलतरा शासकीय डॉक्टर इंद्रजीत महाविद्यालय में स्काई योजना के तहत मोबाइल वितरण किया जा रहा था। वहीं कुछ छात्र छात्राओं को मोबाइल वितरण इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उनके नाम से जियो का सिम चालू नहीं हो पाया। वहीं इस बात को लेकर छात्रों ने कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा मचाया। छात्रों में खासा आक्रोश भी देखा गया। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में शासकीय डॉक्टर इंद्रजीत महाविद्यालय में संचार क्रांति योजना के तहत मोबाइल वितरण किया जा रहा था। वहीं कुछ छात्र छात्राओं का सूची में नाम होने के बावजूद मोबाइल वितरण नहीं किए जाने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि शासन के द्वारा छात्र छात्राओं को संचार क्रांति योजना के तहत मोबाइल का वितरण किया जाना है। इसी कड़ी में जांजगीर के अकलतरा शासकीय डॉक्टर इंद्रजीत महाविद्यालय में भी मोबाइल का वितरण किया जा रहा था। वहीं कुछ छात्र छात्राओं को मोबाइल वितरण इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उनके नाम से जियो कंपनी का सिम चालू नहीं हो पा रहा था। वहीं इस बात को लेकर छात्रों ने कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा मचाया। वहीं छात्रों में खासा आक्रोश भी देखने को मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार केवट है। जी मुकेश जी, क्या दिक्कत आ रही है? मोबाइल क्यों नहीं दिया जा रहा है? डॉक्टर इंद्रजीत कॉलेज में मोबाइल वितरण किया जा रहा है और कल से हम लोग को घुमाया जा रहा है, जबकि हमारे नाम पे मोबाइल भी क्या बोलते हैं निकल गया है, उसके बावजूद भी हमें दिया नहीं जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? आई डी है जिसके नाम पे मोबाइल निकला है, उसके बावजूद भी बोल रहे हैं कि आपके नाम पे 6 सिम एक्टिवेट है और आपको नहीं दिया जाएगा। मोबाइल के साथ सिम लेना अनिवार्य है ऐसा कहा जा रहा है? नहीं है सर, मोबाइल के साथ सिम लेना अनिवार्य है बोल रहे हैं उन लोग, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जी आपका क्या नाम है भैया? योगेश कुमार पाटिल। जी क्या दिक्कतें आ रही है योगेश? अरे हम लोग को 2 दिन से घुमाया जा रहा है कि यहाँ मोबाइल मिलेगा, फिर भी मोबाइल नहीं दे रहे हैं और डॉक्टर जी कर रहे हैं मोबाइल को, आपका सुपरवाइजर राहुल मधवानी। क्या बोल रहे हैं आपको? क्या बोल रहे हैं, घुमा रहे हैं, देंगे 3 बजे देंगे, यहाँ से देंगे वहाँ से देंगे, मोबाइल हम लोग का नाम है फिर भी नहीं दिया जा रहा है। क्या परेशानी है? कुछ सिम वगैरह के लिए बोल रहे हैं सुनने में। सिम का परेशानी नहीं है, सिम का सभी का एक्टिवेट है, 6 से ज़्यादा फिर भी हम लोग को दे रहे हैं, हम लोग को तो नहीं दिए। जी ये जो मोबाइल नहीं मिल पा रहा है इसमें क्या दिक्कत है मैम? नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है, केवल बच्चों का कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उनका एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, उनको मोबाइल भी नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें क्या समाधान है? मतलब समाधान तो 4-5 बच्चों का है तो आइडेंटिटी का प्रॉब्लम था, तो मैच ही नहीं हो पा रहा है, वो भी एक्टिव नहीं हो पाया, और कुछ छात्रों का ऐसा है जिसमें एक्सेस सिम बता रहे हैं तो उनका भी एक्टिव नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग के पास ऐसा नियम आया है कि जब तक एक्टिव नहीं होगा मोबाइल नहीं देगा, एक्टिव करके ही देना।